तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के कमाल की ऐसी चार हिडन सेटिंग या हिडन टिप बताने वाला हूँ, जिससे आप सैमसंग गैलेक्सी के कमाल के अगर कोई आप किसी को बताएंगे तो आप सैमसंग गैलेक्सी के ट्रू यूजर या फिर बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी के लवर माने जाएंगे, क्योंकि ये जो फीचर है बहुत यूजफुल है और छोटे छोटे से फीचर है पर बहुत काम के होते हैं। क्या ये हिडन फीचर है या क्या हिडन टिप है, कहाँ मिलेंगे, सब मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको ऐसी नई अपडेट वीडियो की फटाफट मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो सर, जैसा कि होता है मैं आपको बता रहा हूँ कमाल के चार हिडन टिप या चार सेटिंग्स बता रहा हूँ जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी की मिलती है। तो सबसे पहले सेटिंग ये है दोस्तों, हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी से या सैमसंग की बहुत सारी कंपनी की ऐप या ऑफिशियली ऐप्स बहुत सारी इंस्टॉल होती हैं, पर हमें किसी ऐप की एक की सेटिंग करना हो या फिर बोल सकते हैं सारी सैमसंग ऐप की सेटिंग करना हो तो हमें पर्टिकुलर एक एक ऐप्स के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ जिससे आप एक ही सेटिंग के अंदर जाके सारी सैमसंग की गैलेक्सी की जितनी भी ऑफिशियली ऐप्स होती हैं सबकी सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर जाना है आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर मिलेगा नीचे की तरफ आपको ऐप्स वाला ऑप्शन, वहाँ चले जाना है। ऐप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है सैमसंग ऐप सेटिंग्स पे। तो सारी सैमसंग की ऐप्स आपको मिल जाएंगी, लाइक कैमरे की सेटिंग्स करना है तो कैमरे वाली ऐप में चले जाओ, तो सारे कैमरे की ऐप की सेटिंग्स आप यहाँ पर एक ही बार में कर सकते हैं। जैसी भी सेटिंग्स करनी सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कैलेंडर की करना हो तो कैलेंडर की यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसी सेटिंग्स करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप नीचे की तरफ, क्लॉक्स की करना हो तो क्लॉक की कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट की करना है तो कॉन्टैक्ट की कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट सजेशन की करना हो तो वो कर सकते हैं, डिवाइस केयर की करना हो वो कर सकते हैं, डिजिटल वेलबिंग की करना है तो वो कर सकते हैं, एंड देन फाइंड माई मोबाइल्स की करना है वो भी कर सकते हैं, गैलेक्सी स्टोर की करना है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब कि एक एक ऐप यार, मैसेज हो गया, हेल्थ ऐप्स हो गई, माई फाइल्स हो गई, फोटो एडिटर हो गया, क्विक शेयर्स हो गए, जितनी भी सारी सैमसंग गैलेक्सी की ऐप्स होती है ना सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगी और सबकी सेपरेट सेपरेट सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल उस ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी उसकी सेटिंग करनी है आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, उसकी सेटिंग खुल जाएगी, जो भी आपने वहाँ पर सेटिंग करनी है आप सेटिंग कर दो और वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं सारी ऐप्स की सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे सैमसंग म्यूजिक ऐप हो, सैमसंग की मेंबर ऐप हो, सैमसंग की पास ऐप हो, सैमसंग की विजिट इन हो, सैमसंग वॉलेट हो, सिक्योर फोल्डर हो, स्मार्ट स्विच हो, तो टिप हो, वॉइस रिकॉर्डर हो, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सारी ऐप की सेटिंग्स आपको एक एक करके यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बताऊँ यहाँ पर सेकेंड जो टिप बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही कमाल का है, वो है गैलरी के अंदर। दोस्तों गैलरी के अंदर क्या होता है, हम जैसे गैलरी में जाते हैं, सॉरी, हम गैलरी में जब भी जाते हैं तो हमारी जितनी भी ऐप्स होती हैं सबके जो फोल्डर्स होते हैं सब यहाँ पर मिल जाते हैं। बट हम चाहते हैं कि यार कुछ ऐसे प्राइवेट फोल्डर होने चाहिए जिसको कोई इजीली देख ना सके और इजीली उसको यूज़ ना कर सके, उसको फाइंड ना कर सकते, तो उसके लिए आप एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर रखा है व्यू ऑल वाला ऑप्शन। व्यू ऑल करूंगा तो मेरी सारी जितनी भी गैलरी फोल्डर्स होंगे सब यहाँ पर मिल जाएंगे और कोई फर्स्ट टाइम खोलेगा तो उसको सिर्फ इतने ही फोल्डर मिलेंगे। तो ये कैसे करना रहता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सेलेक्ट एजिटेशनल ऐप, ऑप्शन मिलता है आपको सेलेक्ट एजिटेशनल ऐप्स, आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद वो सारी ऐप्स यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर आपको टाइटल दिखा देगा एजुकेशनल ऐप। अगर इसके अलावा आपको कोई फोल्डर को चूज करना है तो यहाँ पर जाए थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाए सिलेक्ट एजुकेशनल पे, आपको जौन सा फोल्डर को शो कराना है, जौन से को शो नहीं कराना, उन सबको वहाँ पर टेक ऑन या टेक आउट कर दीजिए और उसके बाद वहाँ पर आप डन कर देंगे तो वो फोल्डर शो होंगे नहीं होंगे वो आपको यहाँ पर ऐसे दिखेंगे। तो सेकेंड जो टिप है वो ये थी। उसके बाद बात करें तो थर्ड टिप्स की, वो भी बहुत ही कमाल की। दोस्तों होता क्या है, कुछ ऐसे सेटिंग्स होती है या ऐसे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिसको हमें बार बार यूज़ करना होता है। लाइक मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं, लाइक मान लो मेरे पास नेविगेशन बार है ना, मैं आया यहाँ पर सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आया डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे आने के बाद मैं आया यहाँ पर नेविगेशन बार वाले ऑप्शन पे। अब ये वाला जो फीचर है नेविगेशन, मुझे बार बार स्विच ऑन करना पड़ता है या बटन्स पे या गैजेट्स पे बार बार जाना पड़ता है, तो इतना कुछ हमें उसके इसके अंदर आना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप बहुत इजीली इसको फटाफट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स पे आना है, सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जिसकी भी सेटिंग को क्रिएट करना है, जो भी चीज़ आपको यूज़ करना है, जैसे कि नेविगेशन गेजर वाला या नेविगेशन वाला, मुझे जोन सा भी चाहिए, मैंने यहाँ पर सर्च मारा, ठीक है, नेविगेशन
बार मुझे ये इसका शॉर्टकट्स क्लियर करना है, मैंने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद वो आपको बता देगा कि भैया आप इसका शॉर्टकट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया ऐड पे, जैसे ही ऐड पे क्लिक करा ये होम स्क्रीन पे ऐड हो गया होगा, ये मेरी होम स्क्रीन पे आ गया। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली वो वहाँ पर मुझे नेविगेशन या मोशन जो भी मैंने यहाँ पर सेट आउट करा हुआ है, यहाँ पर ये सेट आउट हो गया होगा नेविगेशन नाम से, यहाँ पर आ चुका है नेविगेशन नाम से। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा वो नेविगेशन फोल्डर पे वहां पर नेविगेशन बार पे ले आएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे। उसके बाद बात करें फोर्थ फीचर की या फोर्थ टिप की, वो भी बहुत कमाल का है दोस्तों। होता क्या है, हम अपने कैमरे से वीडियो को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और अच्छी हाई लेवल पे, जैसे कि आप देखेंगे हम अच्छी हाई लेवल पे 4K तक की वीडियो हम अपने सैमसंग गैलेक्सी में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट हमें किसी को उसको शेयर करना हो व्हाट्सअप पे या कहीं भी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपको उसको कंप्रेस करना पड़ता है। तो कंप्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है और उसके थ्रू आप उसको कंप्रेस करते हैं। बट मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से विदाउट एनी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें अपनी कोई सी वीडियो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, लाइक मैंने अपनी एक वीडियो को यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अल्ट्रा एचडी में एक मैं वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करी हुई है 4K में, अब मुझे इसको कंप्रेस करना है, तो सिंपली मुझे यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद मुझे करना क्या है, एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको साइज एंड फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अब आप इस साइज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी, QHD क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी और HD क्वालिटी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में आप उसको फॉर्मेट भी सेंड कर सकते हैं, स्पेस वाला, मोस्ट कंपेरेटिव वाला, ये जो सा भी आपको साइड्स को सेट करना है वहाँ पर क्लिक कर दो और वहाँ डन कर दो, वो कंप्रेस होके आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर सेव कर लेंगे और वो उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्रेस भी कर पाएंगे। तो कमाल का ये फीचर है, कमाल के ये 4 टिप्स जो मैंने आपको दिए, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई गई होगी। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको मेरी वीडियो पसंद आई गई होगी, तो भाई चैनल को या भाई और बहन जो भी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना। भाई कोई पैसा नहीं लगता है, बस इससे ही ऐसा होता है कि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले अपडेट मिलती जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हो सके तो चैनल को शेयर भी कर सकते हो अपने व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे, कहीं भी शेयर कर सकते हो ताकि और भी ऐसे लोगों को अपडेट पहुँच सके। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो तो और ऐसा सब कुछ कर ही लोगे तो व्हाट्सएप पे मेरे चैनल पे ही फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।